तो नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। ये है एचटेट के लिए और हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए हरियाणा जीके का लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 5 है और इसके बाद लगभग 20 से 25 लेक्चर और आएंगे। कोशिश है कि 25-30 लेक्चर पूरे कर दिए जाएं। आप लोगों की पूरी हरियाणा जीके को कवर करवा दिया जाएगा। जिन साथियों को पीडीएफ चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। 550 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में जो पूछे गए हैं उनके पूरी डिटेल है और एक बुक आपको हैंड रिटन नोट्स की मिलेगी पूरी हरियाणा जीके की। जो आपको ठीक लगे, अच्छी लगे, उपयुक्त लगे, आपके लिए उपयोगी लगे, उसे आप वहां जाकर के ले सकते हैं। करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा का पेरिस किस शहर का उपनाम है, या फिर ये कह सकते हैं कि हरियाणा का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस करनाल को कहा जाता है, यानी करनाल हरियाणा के पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, करनाल के अंदर। हरियाणा में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है, हरियाणा में वर्षा का वार्षिक औसत 40 से 60 है, लेकिन अगर एक डाटा में पूछा जाए तो आपका एवरेज रहेगा 45। क्वेश्चन नंबर 44, किसानों के लिए हरियाणा में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं। किसानों के लिए हरियाणा में कृषक उपहार योजना, रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम, ये दोनों योजनाएं हरियाणा के अंदर किसानों के लिए फेमस हैं, कृषक उपहार योजना और रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम। क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा में हिंदी का पहला साहित्यकार किसे माना जाता है। हरियाणा के अंदर हिंदी का पहला साहित्यकार श्री चौरंगी नाथ को माना जाता रहा है। चौरंगी नाथ को हरियाणा में हिंदी का पहला साहित्यकार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 46, महाभारत युद्ध की चिता भूमि अब किस नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। महाभारत से रिलेटेड हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे महाभारत के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन समय समय के ऊपर हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इसका रखा हुआ मिलता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। तो महाभारत युद्ध की चिता भूमि अब किस नाम से जानी जाती है, आपका आंसर होगा अस्थिपुर के नाम से। महाभारत युद्ध की चिता भूमि को अस्थिपुर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा में असहयोग आंदोलन का मुख्य गढ़ कौन सी जगह रही है। असहयोग आंदोलन दोस्तों भारत के अंदर 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चलाया जाने वाला एक बड़ा स्वतंत्रता संग्राम के रूप में फेमस आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी जी ने इसे मॉनिटर किया था और देश के सभी नेताओं ने बड़ा सहयोग देश की जनता को साथ लेकर किया था, लेकिन हरियाणा में इस आंदोलन का मुख्य गढ़ रोहतक और भिवानी रहा है। आपका आंसर रोहतक और भिवानी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, प्रसिद्ध प्रोफेशनल मुक्केबाज हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। प्रसिद्ध प्रोफेशनल मुक्केबाज हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित हैं, यहाँ बॉक्सर विजेंद्र की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 49, सेल्फी विद डॉटर का आइडिया हरियाणा के किस गांव से आया। सेल्फी विद डॉटर का आइडिया हरियाणा के दोस्तों बीबी पर गांव से आया। बीबी पर गांव जींद जिले में जींद के पास है। यहाँ के सरपंच उस समय हुआ करते थे सुनील जागलान। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन सबको सम्मानित किया गया था। देश के लिए एक गौरव का अक्षण माना गया था ये। क्वेश्चन नंबर 50, टांगरी नदी का उद्गम स्थल हरियाणा में कहां पर है। टांगरी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों हरियाणा के अंदर मोरनी की पहाड़ियों में है। मोरनी की पहाड़ियों में है। ये थे दोस्तों क्वेश्चन आपके 5वें लेक्चर के। 6ठे लेक्चर के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपने स्टडी मटेरियल को ऑर्डर कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग अपनी क्यूरी ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप लोगों की मेहनत अच्छी चलती रहे और तब तक आप मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।